नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम जानेंगे जो पहले हमने पैराग्राफ पढ़ा था, लेसन नंबर 4, पार्ट 4। टॉपिक था हमारा विद्यालय। ये टाइटल था, टाइटल को हिंदी में शीर्षक बोलते हैं। और आइए आज जानते हैं कि प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं, प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं इस विषय में जानते हैं। तो जानते हैं साथियों, चतुर्थ है पाठ है, कहने का नाम लेसन नंबर 4। और हमारा शीर्षक टाइटल जो था वो है विद्यालय। ठीक है, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसकी प्रत्येक लाइन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, और इनके ठीक नीचे, प्रश्नों के नीचे, प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी स्पष्ट किया गया है, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। यदि आप स्टार्टिंग में बंद कर देते हैं तो फिर समझ कैसे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हुए बहुत ही इजी वे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर है एशे। एशे का मतलब यह है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर है विद्यालय, तो एशे यह है विद्यालय, विद्यालय है। तो आगे हिंदी में भी देख सकते हैं आप, यह है विद्यालय। ठीक है, अब एक ही यह सेंटेंस है, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत का मतलब एक शब्द से उत्तर दीजिए। प्रश्न है, एस है, यह है, के क्या अस्ति है, ये क्या है? तो हिंदी में भी देखिए, यह है क्या है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि यह विद्यालय है हिंदी में। संस्कृत में हमने क्या पढ़ा, एस है विद्यालय। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, एस है के अस्ति, एस है मीन्स यह है, के क्या अस्थि है, ये क्या है? तो के के स्थान पर हमें आंसर लिखना है, और वो भी मिसिंग वर्ड देख लिए, ऐसे विद्यालय है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, विद्यालय, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अत्र यहाँ, छात्राः छात्र, शिक्षकाः शिक्षक, शिक्षिकाः शिक्षिकाएं, चे संति। यहाँ छात्र शिक्षक, चे मीन्स और, शिक्षिकाएं संति का मतलब हैं। तो नीचे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है इसका अर्थ, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, अत्र यहाँ के कौन संति हैं, यहाँ कौन है? तो ऊपर हिंदी देखिए, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं। अब यहाँ की संस्कृत क्या है, देख लीजिए, अत्र, और संति की संस्कृत है, इसकी संस्कृत क्या है, संति। तो बीच में जो मिसिंग वर्ड है वो आंसर हो गए। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी में भी प्रश्न है, यहाँ क्या है, सॉरी, यहाँ कौन है, क्या के स्थान पर हम कौन पढ़ेंगे? ठीक है, क्या के स्थान पर कौन पढ़ेंगे, यहाँ कौन है? तो आंसर देखिए, उत्तरम, अत्र यहाँ छात्राः छात्र, शिक्षकाः शिक्षक, शिक्षिका चे और शिक्षिकाएं सन्ति हैं। यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। शिक्षक को अध्यापक भी बोलते हैं, और शिक्षिकाः इनको हम अध्यापिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए आप। ठीक है, आगे है ईसा, यह है संगणक यंत्र प्रयोगशाला, कंप्यूटर की प्रयोगशाला अस्ति है। तो कंप्यूटर की प्रयोगशाला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैब। ठीक है, तो यहां पर ईसा, ईसा का मतलब क्या है, यह है संगणक यंत्र मीन्स कंप्यूटर की, और फिर प्रयोगशाला, प्रयोगशाला अस्ति है, ये कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। आगे प्रश्न देखिए, ऐसा का अस्ति,
ऐसा यह का क्या अस्ति है, ये क्या है, तो उत्तर देखिए संगणक यंत्र प्रयोगशाला, संगणक यंत्र प्रयोगशाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एतानी, एतानी का मतलब ये, संगणक यंत्राणि कंप्यूटर के यंत्र संति है, ये कंप्यूटर के यंत्र हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, ये कंप्यूटर के यंत्र हैं, ठीक है। यहां पर यह के स्थान पर यह हो जाएगा, यह के एक ही मात्रा जाएगी, है हट जाएगा, यह है, ये एकवचन में है तो हमें इसको बहुवचन में लिखना है, बाय मिस्टेक इट इज रिटन, ओके। तो यहां पर ये पढ़ेंगे हम, बहुवचन पढ़ेंगे, तो ये कंप्यूटर के यंत्र हैं, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न है, एतानी ये सब कानी क्या संति है, ये सब क्या है, हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, एतानी संगणक यंत्राणी संति, ये भी आंसर होगा। और एक पद में उत्तर देते हैं तो केवल हम लिखेंगे संगणक यंत्राणी संति, संगणक यंत्राणी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एतत यह अस्माकम हमारे विद्यालय से विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, ठीक है। हिंदी देखिए, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, ये हिंदी हो गई। एतत मीन्स यह अस्माकम हमारे विद्यालय से विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है, ठीक है। अब देखिए आगे, उद्याने बगीचे में पुष्पाणि फूल संति हैं, बगीचे में फूल हैं, हिंदी में भी देखिए आप, उद्याने बगीचे में फूल हैं, बगीचे में फूल हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, वयम हम अत्र यहां क्रीड़ा में खेलते हैं, पठा में च पढ़ते हैं, हम यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं, ये हिंदी में भी है, ठीक है। अब यहां देखिए ये लाइन ऊपर वाली आ गई है, यहां छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, जो ऊपर वाली लाइन थी वो यहां पर रिपीट हो गई, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे, ऐसा का अस्ति, अब देखिए ऐसा का अस्ति, ऊपर का जो पैराग्राफ है वहां से प्रश्न बनाया, ये कौन है, तो यहां पर उत्तर देखिए, उत्तर देखिए यहां पर हम उत्तर देखेंगे दोस्तों, ऐसा का अस्ति ये कौन है, तो यहां पर संगणक यंत्र प्रयोगशाला, तो उत्तर एक शब्द में देंगे तो कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न रिपीट हुआ है, आपको प्रश्न का उत्तर देना जानना है, प्रश्न रिपीट हो गया कोई बात नहीं है, तो दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए एतानी ये सब संगणक यंत्राणी कंप्यूटर के यंत्र या संगणक यंत्र संति है, तो यहां पर हिंदी में भी लिख दिया है, संस्कृत का शब्द ही, ये संगणक यंत्र है, ये संगणक यंत्र है, जो ऊपर जो गलती हो गई थी ये सुधर गई, यहां पर ये एतानी का मतलब यहां पर ये कर दिया बहुवचन, ठीक है। तो दोबारा रिपीट होने से प्रश्न क्लियर हो गया है। अब आगे देखिए प्रश्न है, एतानी ये सब कानी क्या संति है, ये सब क्या है, तो आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ये क्या है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर क्या होगा, तो कि एतानी ये सब संगणक यंत्राणि संति, संगणक यंत्र है, तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर, संगणक यंत्राणि, संगणक यंत्राणि, और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कंप्यूटर, ठीक है। अब आगे देखिए, जो ऊपर प्रश्न नहीं दिया गया था वो दोबारा से यहाँ पर ये लाइन दी है और इसका प्रश्न हम देखेंगे, तो आइए जानते हैं, एतत यह अस्माकम हमारे, ये हमारे विद्यालय से विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, यह है हमारे विद्यालय का बगीचा, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, ठीक है। एतत मीन्स यह है अस्माकम हमारे
विद्यालय से विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न कैसे पूछा है। एतत यह अस्माकम हमारे विद्यालय से विद्यालय का किम क्या अस्ति है। तो दोस्तों आपको उत्तर का पता चल गया होगा है? आप उत्तर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये हमारे विद्यालय का क्या है। तो आप उत्तर क्या देंगे, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। तो बगीचे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, उद्यानम। तो आंसर क्या हो गया हमारा, उद्यानम। हमारा आंसर क्या हो गया, उद्यानम। तो देख सकते हैं आप उत्तरम, एतत अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। आप यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है वो भी देख सकते हैं ध्यान से, एतत अस्माकं विद्यालयस्य किम अस्ति। ऊपर देखो, एतत अस्माकं विद्यालयस्य किम के स्थान पर उद्यानम अस्ति, बगीचा। किम मीन्स क्या। ठीक है, अब हिंदी भी देखिए, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न, और जो ऊपर लाइन आ गई थी, उद्याने कानि संति, बगीचे में क्या है, बगीचे में क्या होते हैं। दोस्तों फूल होते हैं, बगीचे में क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि बगीचे में क्या है, तो बगीचे में उत्तर आ जाएगा आगे, उत्तरम, उद्याने बगीचे में पुष्पाणि संति, फूल हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में भी, बगीचे में फूल है। उद्याने मीन्स बगीचे में पुष्पाणि फूल संति हैं, हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। अब आगे जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं कि क्रीडामहे है, इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम अस्ति। क्रीडामहे खेलते हैं, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, खेलते हैं इस क्रियापद का कर्ता क्या है, इस क्रियापद का कर्ता क्या है। तो क्रीड़ा में उत्तम पुरुष बहुवचन है दोस्तों, जो उत्तम पुरुष की क्रियाएं होती हैं उनके कर्ता निश्चित होते हैं। तो उत्तम पुरुष का जो कर्ता है, एक वचन का अहम, द्विवचन का आवाम और बहुवचन का वयम होता है। तो यहाँ पर क्रीड़ा में उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हो जाएगा वयम, जिसका अर्थ है हम, जिसका अर्थ है हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं प्रत्येक शब्द की। जिसमें भी आपको समस्या है कि शब्द का अर्थ क्या होगा, आप जान सकते हैं, देखिए अर्थ जान सकते हैं। एसे मीन्स यह है, ये अर्थ है। विद्यालय का मतलब होता है विद्यालय। फिर देखिए अत्र मीन्स यहाँ, ठीक है। छात्रा मीन्स विद्यार्थी भी होता है, छात्र भी होता है। नेक्स्ट है शिक्षिका मीन्स अध्यापक, फिर शिक्षिका मीन्स अध्यापिकाएं, और आगे है चे मीन्स और, चे का मतलब क्या होता है और। और यहाँ पर संते लिखा दिया, गलती से संते लिखा गया, ये संति है। तो संति का मतलब क्या होता है, हैं। संति का मतलब क्या होता है, हैं। ये बाई मिस्टेक इट इज रिटन संत। संत वैसे साधु को बोलते हैं, सज्जन को बोलते हैं, लेकिन इसको संत ने पढ़ करके हमें संति पढ़ना है। क्या पढ़ना है, संति। बाई मिस्टेक यहाँ पर ई यूज नहीं हुआ है गलती से। तो आगे देखिए ऐसा, ऐसा मीन्स यह है। फिर संगणक यंत्र, प्रयोगशाला को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की प्रयोगशाला। फिर अस्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है। एतानि ये बहुवचन है, इसका मतलब ये या ये सब। फिर आगे देखिए संगणक यंत्राणि का मतलब होता है कंप्यूटर के यंत्र। और संति, संति मीन्स हैं। जो संत है यहाँ पर, संत है, उसके स्थान पर हम ये संति पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए एतत, एतत का मतलब यह है। फिर अस्माकम मीन्स हमारे, जो यह एतत का यह है, ये यहाँ पर हमारे से पहले भी जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अस्माकम का हिंदी में अर्थ आप केवल हमारे पढ़े, ये न पढ़े, यह है तो एतत का अर्थ है, ठीक है। अब आगे देखिए विद्यालय से मीन्स विद्यालय का, विद्यालय का। फिर आगे उद्यानम मीन्स बगीचा, उद्यानम का मतलब क्या होता है, बगीचा। फिर अस्ति मीन्स है,
ठीक है। अब आगे जो उद्यानम है वो तो हो ही गया ना, उद्यानम मीन्स बगीचा, वो तो हो गया रिपीट। अब दोबारा उसको लेने की जरूरत हमें नहीं है। अब आगे देखिए पुष्पाणि, पुष्पाणि का मतलब होता है फूल, और फिर संति आ गया, संति मीन्स है। फिर देखिए वयम का मतलब हम, अत्र मीन्स यहां, क्रीड़ा में मीन्स खेलते हैं, पठा में मीन्स पढ़ते हैं, से मीन्स और, से मीन्स और। इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हैं, और यदि आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। आपको देखना है कि प्रश्न का उत्तर कैसे पूछते हैं, किस शब्द का क्या अर्थ है, हम कैसे जाने कि इसका अर्थ ये है, उत्तर कैसे दें। तो दोस्तों यदि आपको